देश में महंगाई ने तोड़ दी है आम आदमी की कमर। यह पूरी खबर इसके 360 डिग्री कवरेज और विश्लेषण के साथ अगले 40 मिनट में आप देखने वाले हैं। खास एक्सपर्ट के साथ चर्चा हम करेंगे। पिछले 75 दिनों में 41 बार बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत में सबसे महंगा पेट्रोल, श्रीगंगानगर में आज एक लीटर पेट्रोल 113 रुपए का। देश के 8 महानगरों में शतक मार चुका है पेट्रोल। डीजल भी पीछे नहीं है, सीएनजी के दाम भी पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं, पीएनजी बढ़ गई है, रसोई गैस का सिलेंडर बढ़ गया है। चारों तरफ महंगाई की मार है, लेकिन ऐसा क्यों है और अगर ऐसा किसी वजह से है और वो वजह समझ में आ रही है तो क्या कोई समाधान भी है? क्यों खेत से लेकर खाने तक आते आते चीजें महंगी हो जा रही हैं? इस पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा का रुख करूं, और मेरे सहयोगी आज गौरव भी होंगे खास तौर से आपको ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या पाया जब उन्होंने सर्वे किया लोगों के बीच में जाकर, लोगों से बात करके महंगाई के बारे में। और क्योंकि वो इकोनॉमिक अफेयर्स को कवर करते रहे हैं तो आपको और बारीकी से बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हर घर के लिए, किचन के लिए जरूरी सरसों का तेल। सरसों के तेल ने कैसे बिगाड़ दिया है आम आदमी के खाने का स्वाद। सरसों का तेल एक साल में करीब 1.5 गुना बढ़ चुका है, मगर किसान आज भी घाटे का रोना रो रहे हैं और उपभोक्ता महंगाई से बेहाल हैं। कड़वा तेल, दाल और सब्जी में जब तक छोंक ना लगे तब तक खाने वालों को स्वाद नहीं आता है, मगर इस स्वाद की चाहत में आम लोगों की जेब पर चपत लग रही है, क्योंकि हर किचन के लिए जरूरी सरसों तेल की कीमत 200 रुपए लीटर के करीब पहुंच गई है। पिछले साल तक जो सरसों तेल 110 से 120 रुपए प्रति लीटर थे वो अब 190 रुपए के पार पहुंच चुके हैं, जिसका असर किचन के बजट पर भी पड़ रहा है। रहने की एक अलग सेविंग होती है, वो तो है ही नहीं। अपनी पॉकेट मनी से हमें खर्च करना पड़ता है। मगर सवाल है कि क्या बढ़ते दाम का फायदा किसानों को भी हुआ है, या फिर सारा मुनाफा खेत से बाजार तक पहुंचते पहुंचते बिचौलिए और कारोबारी खा रहे हैं? ये जानने के लिए हम देश का सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन करने वाले राज्य राजस्थान पहुँचे। एक बीघा के हिसाब से हमें बताइए कैलकुलेशन करके कितना खर्चा आता है और कितना आपको लाभ होता है? हमारे 2000 रुपए तो ट्रैक्टर का खर्चा आ जाता है बुआई का, 5 बार जमीन बोनी पड़ती है, और फिर खेत में डीएफी बीज ये लगा करके हमारे करीब ये 3000 रुपए पर बीघा का खर्चा तो उस टाइम आ जाता है। 1000 रुपए पर बीघा के हिसाब से मशीन से उसको निकलवाई आ जाती है। खर्चा कितना हुआ और लाभ कितना हो रहा है? अब इसमें खर्चा करीब 8000 रुपए इसमें खर्चा हो जाता है हमारा, एक बीघा पे पूरा खर्चा करके 800-900 रुपए, 1000 रुपए इतना हमको बीघे के हिसाब से इसको मिलता है। मंडी से मार्केट तक आते आते तेल के साथ ये क्या खेल हो रहा है? गौरव के पास चलते हैं। गौरव, क्या हो रहा है ये? देखिए, यही तो आज डिकोड करना है दिनेश, कि जब किसान को कमाई नहीं हो रही है और आम आदमी को इतना महंगा ये मिल रहा है तो बीच का पैसा जा कहां रहा है? क्या ये महंगाई मैनमेड है, क्या ये महंगाई परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न हुई है, या फिर इस महंगाई को काबू करने के कुछ तरीके हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? पहले हम जरा बिग वॉल पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरसों का तेल, जिसकी अभी आपने बात की, मंडी से मार्केट तक का इसका खेल क्या है, जरा आप ये समझिए और उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, होलसेल में अगर बात करें तो 162 रुपए प्रति लीटर ये पड़ता है सरसों का तेल, लेकिन रिटेल मार्केट में आते आते ये कहीं ज़्यादा महंगा होता है, 19 रुपए प्रति लीटर के आसपास इसका अंतर होता है। लेकिन अगर आप इस होलसेल और रिटेल रेट को हटा दीजिए दिनेश, आप बात करिए मंडी में सरसों के रेट की और बात कीजिए कि एक लीटर तेल को निकालने में जितनी भी सरसों इस्तेमाल होती है, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्सपर्ट्स वो बताएंगे, 2 से 3 किलो या 4 किलो सरसों जो भी इस्तेमाल होती है वो अगर उसकी कॉस्ट जोड़ें तो 70-80 रुपए के पास आती है। फिर ये एक लीटर तेल आते आते 180 रुपए का क्यों मिलता है आम आदमी को? इसके बीच का पैसा क्या वाकई जस्टिफाइबल है? जो लोग जिस भी जितना भी प्रॉफिट जोड़ते हैं, क्या ये सही है या इसके पीछे कोई जमाखोरी है? अब देखिए, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्सपर्ट्स होंगे तो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन अगर मूँगफली का तेल देखें तो यहाँ भी वही होलसेल का रेट, रिटेल मार्केट का रेट हम आप सबको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसके बावजूद आम आदमी तक जो कीमतें पहुंच रही हैं, इसको आप समझिए। वनस्पति का तेल होलसेल का रेट हम दिखा रहे हैं, रिटेल मार्केट का रेट दिखा रहे हैं, अंतर यहां पर आपको दिखा रहे हैं, और ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस रेट को कितना हम सही माने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।